दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान आया सूर्य कुमार यादव का। दोस्तों पहले तो सूर्य कुमार यादव ने 9 गेंदों में कूट डाले 52 रन, उसके बाद जड़ दिया सबसे तेज शतक। फिर सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को दौरा कर मारा और अकेले दम पर इस मैच को जिता दिया। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो सूर्य कुमार यादव की भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। इंडिया और वेस्ट इंडीज टीम के बीच में पहला वनडे मुकाबला खेला गया ईडन पार्क के मैदान पर। रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने के लिए आए ईशान किशन के साथ शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल मात्र 4 रन के स्कोर पर आउट हो गए और वहीं ईशान किशन 9 रन के स्कोर पर बाहर हो गया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव। पहले तो सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को रुला दिया खून के आंसू, फिर मैदान पर चौके और छक्कों की बरसात कर डाली। दोस्तों सूर्य कुमार यादव भारत के एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैदान की चारों ओर चौके और छक्कों मारने की दम रखते हैं। मगर दोस्तों आपको बता दें यह एक प्रैक्टिस मुकाबला था। आज का पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।